नौकरानी बन गई हूँ मैं। हाँ, अरे वो ऐसा हुआ है कि मुझे कमल नारायण और रंजना ने मिलके घर से निकाल दिया है, और बड़ा मार कोई गांव वालों के साथ बहुत अत्याचार किए हैं मैंने, कि कोई गांव वाला मुझे अपने घर में रख नहीं रहा। इसके पहले क्या हुआ कि मैं सड़कों में मारी मारी घूम रही हूँ, बारिश में भीग रही हूँ, कोई मुझे शरण नहीं दे रहा है। ऐसे में कस्तूरी देखती है और उसको मुझ पर दया आ जाती है और वो मुझे अपने घर ले जाती है। तब से मैं उसके घर पर हूँ। तो अभी कमल नारायण को शायद पता नहीं कि मैं कस्तूरी के घर पर रह रही हूँ, और उनका ये प्लानिंग है कि वो सूरज को चकोर से अलग करा दें ताकि वो फिर सूरज को मार पाएंगे, क्योंकि सूरज फिर कमज़ोर पड़ जाएगा। और मेरी पूरी कोशिश ये है कि चकोर सूरज को ना छोड़े, तो इस वक्त मैं सूरज का साथ दे रही हूँ और चकोर का साथ दे रही हूँ कि वो मेरे बेटे को बचा पाए, क्योंकि वही एक इतनी मजबूत है कि जो कमल नारायण का सामना कर सकते हैं। अच्छा, ऐसे क्या हो गया कि सारे गांव वाले जो हैं वो सूरज के खिलाफ हो गए हैं और चकोर के खिलाफ भी हो गए? चकोर के खिलाफ तो इसलिए हो गए, उनको ये लग रहा है कि उनके सामने कमल नारायण ने इतना बड़ा प्रस्ताव रखा है कि वो बंधुआगिरी से मुक्त कर देंगे अगर वो डिवोर्स दे देती है सूरज को। और सूरज पे तो गुस्सा होना बड़ा जायज़ है, क्योंकि सूरज ने भी बड़ी ज़्यादतियाँ की हैं, बड़ा मारपीट किया है और बहुत अत्याचार किए हैं गाँव वालों पर। सूरज पर सूरज ने किया है, हमने किया है, हवेली के सभी लोगों ने किया है, तो इसलिए सूरज से गाँव वालों का गुस्सा बड़ा जायज़ है। हाँ, डाइवोर्स तक की नौबत ही आई है, डाइवोर्स हुआ नहीं है। तो हम सब ये चाहते हैं कि सूरज, स्पेशली तेजस्विनी तो यही चाहती है कि सूरज और चकोर आपस में मिलजुल के रहें और वो शादी मान ले और एक दूसरे से प्यार करें, और फिर दोनों मिल के, हम तीनों चारों मिल के फिर कमल नारायण से उसका बदला ले, जिसकी हम पूरी तैयारी में दादा कि धीरे धीरे करके हम उन पर हावी होंगे। पर अभी फ़िलहाल उनका टाइम चल रहा है, हमारा भी वक्त आएगा। अच्छा, तेजस्वी जी और चकोर दोनों मिलके किस तरह से गांव वालों को समझाएगी? और अरे मैं तो यही बताऊंगी, क्योंकि मैं कमल नारायण की पत्नी हूं, तो मुझे ये पता है कि उन्होंने क्या क्या अत्याचार किए और क्या क्या प्लानिंग करते थे। तो मैं अपनी तरफ से कन्विंस करने की कोशिश कर रही हूं कि भाई मैं कह रही हूं कि वो सारा दोष कमल नारायण का है, उसमें मेरे बेटे सूरज का हाथ नहीं है, क्योंकि सूरज ने जो भी किया वो कमल नारायण के कहने पर किया। तो इसलिए मैं उस ढंग से उनको कन्विंस करने की कोशिश कर रही हूं कि इसमें मेरे बेटे की गलती नहीं है, और मेरा मुख्य कारण, मतलब यही एक उद्देश्य है कि मेरा बेटा बच जाए और चकोर उसको डिवोर्स ना दे। अच्छा, फिर से एक बार क्या हम तेजस्विनी जी को महल में देख पाएंगे? हाँ, ज़रूर देख पाएंगे। अरे हम लोग मिल के बदला लेंगे, अभी कहाँ, बकरे की माँ कब तक खैर बनाएगी, हम लोग आ रहे हैं, मैं, मेरा बेटा और चकोर वापस आएंगे और एक एक बदला लेंगे।